ग्वालियर उपनगर ग्वालियर पुलिस ने एक दलित युवती के यौन उत्पीड़न मामले, मारपीट और गर्भपात के मामले में पुलिस ने आरोपी पंकज तिवारी के खिलाफ बलात्कार, दलित उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। खास बात यह है कि करीब 12 साल तक दैहिक शोषण झेल रही इस युवती ने गुरुवार को ही सागर तेल में कूद कर जान देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की ड्रायल 100 ने समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली। पता चला है कि यह युवती अगस्त 2010 से ही आरोपी पंकज तिवारी के संपर्क में आई थी। पंकज तिवारी ने युवती को शादी का झांसा दिया और लगातार दैहिक शोषण करता रहा। जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका गर्भपात भी करा दिया। युवती ने परेशान होकर गुरुवार सागर तालाब में कूदने की कोशिश की। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी पंकज तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया। IN7 न्यूज़ के लिए ग्वालियर से विकास खरे की रिपोर्ट।